Okay, now let us discuss about nucleus. And we know that atomic nucleus was discovered in 1911 by Rutherford during experiment of alpha particle scattering experiment. और जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये शो किया था जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ. यस एंड रदरफोर्ड शो दैट एटॉमिक कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻¹⁴ मीटर इन डायमीटर सराउंडेड बाय ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स न्यूक्लियस में क्या है, दिस न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. देयर आर ऑर्बिट्स अराउंड दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस. ऑल एटॉमिक न्यूक्लियर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जिनको हम कलेक्टिव क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन. न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली दीज इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स. एंड वी नो दैट प्रोटॉन इज हैविंग प्लस ई चार्ज 1.6 इनटू 10⁻¹ कूलम चार्ज. न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन इज हैविंग माइनस ई चार्ज -1.6 इनटू 10⁻¹ कूलम. हियर वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस. हम यहां पर न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियस क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट इज न्यूक्लियस. अ स्पीशीज ऑफ न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Z X A. This is the representation of nuclei Z X A, where Z is the atomic number, A is the mass number, and this X is the chemical symbol of the species. Here, if we talk about neutron, suppose capital N is the number of neutrons, number of neutrons. It can be calculated by A minus Z. Atomic mass number में से हम atomic number को minus कर देंगे, that will give you number of neutrons. This Z gives the number of protons in the nucleus. Z gives the number of electrons, जो उसके बाहर electrons होंगे, उनके number को depend करता है. A is sum of protons and neutrons. मतलब जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स के नंबर को ये ए रिप्रेजेंट करता है. तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट विल बी ए माइनस जेड. नाउ सपोज लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस 17 Cl 35 द क्लोरीन न्यूक्लियस. हियर हियर जेड इज 17 एटॉमिक नंबर. मास नंबर ए इज 35. नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस केस विल बी 17. नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू जेड इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ए माइनस जेड. दिस विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. इट विल बी 18, 18 हो जाएंगे कैपिटल एन. क्लियर. देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इट विल बी 18 प्लस 17 इक्वल टू 35. तो भाई ए वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ लेट अस डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई. क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई
Atoms of different elements are classified in five categories. There are five main categories of nuclei, and let us discuss one by one. Classification of nuclei. Nucleus can be classified in five categories. Number one, isotopes. Second, isobars. Third one, isotone. Isomeric nuclei. Or isomers, and finally mineral nuclei. Now let us discuss isotope. Number one, isotope. What are isotopes? So the nuclei with same atomic number Z. The same Z but different A. Are known as isotopes. Same Z means number of protons will be same, but the number of neutrons will be different, or number of nucleons will be different because A is different. So, however, the nuclei is the same. Atomic number Z but different mass number are known as isotope. इसको दूसरा नाम भी कहते हैं हम. Since protons are having, there are same number of protons. That's why these are also known as isoprotons. इनको हम isoprotons ही कहते हैं. Isoproton because they are having same number or equal number of protons. Because of the atomic number is same, therefore these isotopes are placed in the same place of our periodic table. Periodic table only in the same place hoga, and chemical properties will be same, but physical properties will be different. Chemical properties are dependent on this Z atomic number. So Z same hai, to unki chemical properties same hongi. A different hai, unka jo physical characteristics hai, physical properties hai, wo डिफरेंट होंगी, है ना. और जो पीरियोडिक टेबल है उनमें इनका प्लेस सेम होगा, बोथ दे आर हैविंग सेम जेड. ये जो है जैसे हम इनके एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट इज हैविंग आइसोटोप्स. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन इज हैविंग सिक्स आइसोटोप्स. Similarly, tin is having 10 isotopes. In case of hydrogen, hydrogen is having 3 isotopes, 1s1, 1s2, and 1s3. Rhodium, barium, and tritium. So there are 3 isotopes of hydrogen. Similarly, in case of oxygen, there are again 3 isotopes of oxygen, 8 of 10, 8 of 17, and 8 of 18. There are 3 isotopes of oxygen. Chlorine, there are 2 isotopes of chlorine, 17 Cl35 and 17 Cl37. Similarly, in case of uranium, there are 2 isotopes of uranium, 92-235 and 92-238.
आइसोटॉप। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आइसोबार। आइसोबार में इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, व्हाट विल बी इन आइसोबार। नाउ लेट अस डिस्कस आइसोबार। इन आइसोबार दैट विल बी डिफाइंड, एटॉमिक नंबर विल बी डिफाइंड, बट मास नंबर ए इज सेम इक्वल। आइसोबार हो जाएगा, जेड डिफरेंट होंगे और ए क्या होंगे वो सेम होंगे। मींस इफ जेड इज डिफरेंट, जेड जो है इसमें डिफरेंट है इन आइसोबार, जेड डिफरेंट एंड ए सेम, डब्ल्यू बी आई विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज ए रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन साइड द न्यूक्लियस। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोबार्स। इन आइसोबार्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी डिफरेंट बिकॉज जेड इज डिफरेंट, ए इज सेम, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी सेम, बट इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब जेड अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी डिफरेंट। अब इसमें क्या है, जेड डिफरेंट है तो दैट्स व्हाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स विल बी डिफरेंट बट फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। नाउ व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ आइसोबार्स इन पीरियोडिक टेबल, तो दे विल बी हैविंग डिफरेंट पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल। इनके जेड डिफरेंट है तो इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो स्थान वो अलग अलग होंगे। अब इसमें देखा 1s3 एंड 2s3, इसमें देखते हैं बीच टू आर आइसोबार, ए सेम इन बोथ केसेस, ए इज सेम दैट इज इक्वल टू 3, जेड इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दीज आर आइसोबार्स। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केसेस में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, यानी इन आइसोबार्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। These two are isobars. Similarly, 6C 14 and 7N 14. Again, A is same 14. A is equal, but Z is different. They are 6, they are 7. These are isobars. Carbon and nitrogen. These are isobars. Number of protons. Yeah, number of protons 6. Number of प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 14, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 14, तो न्यूक्लियॉन्स तो सेम होते हैं बिकॉज ए इज सेम, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, या 14 माइनस 7 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। तो दीज टू आर अगेन आइसोबार्स। नाउ 9F 17 and 8O 17. These are isobars. Same A, different Z. These are isobars. Similarly, 7N 15 and 8O 16. Again, these are isobars because A is 16, same. ये हमने बात की आइसोबार्स। नाउ आइसोटॉन्स, व्हाट इज आइसोटॉन्स, तो नाम से पता चला आइसो मींस सेम इक्वल, टॉन्स मींस टॉन्स हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या टॉन्स मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मींस दे हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज
आइसोटॉप, कार्बन आइसोटॉप। द न्यूक्लियस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटॉप्स। फॉर देम व्हाट द एटॉमिक नंबर सेट टेन मास नंबर ए आर डिफाइन। इनमें दोनों जेड और ए दोनों हमारे टेन होंगे। देन जेड देन ए बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ फोर बी ए लिथियम एंड बेरिलियम दैट इज डिफरेंट एज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स These are isotopes. Similarly, 1s3 and 2he4 hydrogen atom. Different set, different A. What about number of neutrons? In this case, number of neutrons will be A minus Z, 3 minus 1. Here, 4 minus 2. So same number of neutrons. Again, 1s3 and 2s4 are isotopes. Let us discuss one more example. 11 neon 23 and 12 Mg 24. Again, these two are isotopes. Then A. But number of neutrons same. 23 minus 11 equal to 12. Yeah. 24 minus 12 equal to 12. Number of neutrons are same. So again, these are isotopes. This was about isotopes. Now fourth one is isomeric nucleus or isomers. Let us discuss what is isomer, what are isomers, or there are atoms which have the same atomic number Z and same mass number A but differ from one another in their nuclear energy states, different nuclear energy states and exhibit differences in their internal structure. And having different lifetimes, known as isomeric nuclei or isomers, having same Z, same A, but differ from one another in their nuclear energy state, but in nuclear energy. States and exhibits differences in their internal structure. Differences in their internal structure. These nuclei are distinguished by their different lifetimes. Different lifetimes. Such nuclei are known as isomeric nuclei or isomers. Isomeric nuclei
और आइसोमर्स। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी। व्हाट आर आइसोमर्स फॉर आइसोमेरिक न्यूक्लियस? द न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, बट डिफरिंग देयर न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स एंड देयर इज डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंट लाइफ टाइम्स आर नोन एज आइसोमर्स और आइसोमेरिक न्यूक्लियर। नाउ फिफ्थ वन इज मिरर न्यूक्लियर। मिरर न्यूक्लियर, मिरर में क्या होता है, यदि आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका लेफ्ट पार्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट जो है लेफ्ट हो जाएगा। मीन्स देयर विल बी एक्सचेंज और इंटरचेंज, देयर विल बी इंटरचेंज ऑफ पोजिशन। क्या चीजें इंटरचेंज होंगी यहाँ पर, जो चेंज है चीजें चेंज होंगी, दैट विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, और जो दूसरे में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो पहले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देयर विल बी इंटरचेंज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे हमारा मिरर में होता है, हम मिरर मिरर के सामने खड़े हो तो लेफ्ट साइड है वो राइट नजर आएगी, राइट लेफ्ट नजर आएगा। तो न्यूक्लियस हैविंग सेम मास नंबर, मास नंबर इज सेम, सेम ए, सेम मास नंबर ए, बट विद द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वन इन वन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अदर, नोन एज मिरर न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल फोर पी सेवन एंड थ्री एल आई सेवन, टीज आर मिरर न्यूक्लियस। हाउ टीज आर मिरर न्यूक्लियस हैविंग सेम ए सेट। नाउ हियर लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दिस केस नंबर ऑफ हियर जेड इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू सेवन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हियर इज फोर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन इक्वल टू ए माइनस जेड इक्वल टू सेवन माइनस फोर इक्वल टू। Here, in case of beryllium, there are four protons and three neutrons. Now, let us discuss lithium. Here, Z is 3 and A is 0. Number of protons will be 3 and number of neutrons will be A minus Z, 7 minus 3 equal to 0 minus 3 equal to. Here number of protons is 4, यहाँ पर 4 protons हैं, तो वहाँ पर 4 neutrons होंगे, 4 neutrons। Similarly, यहाँ पर protons 3 हैं, second में, तो पहले में क्या बन जाएंगे proton, neutrons बन जाएंगे 3। Obviously there is interchange of number of protons and number of neutrons. So such type of nuclei are known as mirror nuclei. One more thing, if nuclei is having even number of protons and even number of neutrons, even proton and even number of neutrons, even number of protons and even number of neutrons, then this nuclei is known as even. So, pehla word hai even, that is for 4 protons. कहेगा रिप्लाई इवन 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 रिप्लाई। क्लियर? इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑड ऑड न्यूट्रॉन, देन दिस रिप्लाई इज नोन एज इवन ऑड रिप्लाई, इवन ऑड रिप्लाई। इफ number of proton is odd, odd protons, and even neutrons, then this nuclei, these nuclei are known as odd
और टीवी न्यूक्लियाई एंड इफ बोथ आर ओड मींस ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन दिस इज नोन एज ऑड ऑफ न्यूक्लियाई विल बी ऑड ऑफ न्यूक्लियाई क्लियर. इस तरह से हम ये चार पैकेजेस में न्यूक्लियाई को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब बात करते हैं सम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस. दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस. पांच कैटेगरी को हमने यहां पर डिवाइड किया आइसोवास आइसोटोन मिरर आइसोमेरिक और Now let us discuss some basic properties of nucleus. Some important properties of nucleus. General properties. Now, let us discuss first nuclear size. तो मैंने शुरू में बताया कि nucleus की जो डिस्टर्बिंग होती है वो क्या कैसा होती है मतलब फोड़ने की ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स के और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया था द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर रदरफोर्ड ने जो एल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग की थी उन्होंने बताया कि दैट और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर मींस होम साइड पे है न्यूक्लियर साइड. This is radius. Diameter के लिए हम इसका 200 multiply कर देते हैं. This is the size. Basically हम इसको size कह रहे हैं. Size of the or this is the mean radius of the nucleus. Is of the order of 10 to the power minus 14. While that of the atom is 10 to the power minus 15 meter. Radius of the atom, entire atom. Entire atom में क्या होगा? न्यूक्लियस एज वेल एज तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं पूरा इसका जो साइड है पूरा रेडियस है कम का दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और ये 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर कभी कभी हम इसको लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 15 क्लियर. So this is the nucleus size. Now there is an important formula that is known as empirical formula for nucleus size. R equal to R naught a to the power 1. The very important empirical formula. Here a is the mass number of the nucleus and R0 is constant. E equal to 1.3 per meter. Fermi is the unit of distance in nuclear physics. In nuclear physics में ज़्यादा distance हैं, बहुत छोटी होती हैं. हमको उनको calculate करने के लिए, measure करने के लिए use करते हैं. Fermi, as we are aware, R is equal to 1.3 Fermi, and we know 1 Fermi equal to 10 to the power minus 15 meter. 1 Fermi equal to 10 to the power minus 15. 1.3 into 10 to the power minus 15 meter. So, using this formula, this empirical formula, we can calculate nuclear radius. So, nuclear size यहाँ से calculate कर सकते हैं. Because for a given nucleus, you know A. A, यहाँ पे A की value put कीजिए. R जो is constant, that is equal to 1.3 for me. We can calculate nuclear radius. Now, suppose, if we talk about the carbon, 6C, 12.
Now we want to calculate the radius of the nucleus of this carbon. R equal to R naught, A to the power 1 upon 3. R naught is 1.3 for me, equal to into A is 12 power 1. On solving the gap, R equal to 3 for me. As we are M. So these are nuclear radius of R. Now let us discuss nuclear mass. Second property, nuclear mass. Nuclear mass. Mass of the nucleus. And we know the nucleus consists of protons and neutrons. There are protons and neutrons in the nucleus. So, nuclear mass means the mass of nucleons inside the nucleus. The nucleus is there are protons, there are neutrons. Mass of the nucleus consists of protons and neutrons. Then, the mass of nucleus should be the mass of proton plus mass of neutron. This mass is known as theoretical mass or assumed nuclear mass. Assumed nuclear mass is equal to mass of protons plus mass of neutron. Mass of proton plus mass of mass of protons. So first we should know the number of protons. यदि हम इसकी बात करें अभी डेट एक्स ए हम सिंबल लेकर चल लेते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूक्लियाई डेट एक्स ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेट दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ is the total mass of protons inside the nucleus. Mass of neutrons, total number of neutrons and capital N sum dikha rahe total number of neutrons ko into mass of one neutron. This is the total number of neutrons. This is the critical nuclear mass or assumed nuclear mass. Here n is the number of neutrons. Nuclear masses are experimentally measured accurately by mass spectrograph. Mass spectrograph, we can calculate accurate nuclear mass. That mass is known as experimental, which is measured by mass spectrograph or real nuclear mass. Real nuclear mass and it has been observed that real nuclear mass is less than this assumed nuclear mass or theoretical mass. This will be difference in these two masses and this difference will give something. This real nuclear mass or experimental nuclear mass is less than this assumed nuclear mass or theoretical mass, that is that MOP plus and MA. The difference in masses will be how much? Difference in masses will be equal to this one is greater, this assumed nuclear mass is greater, will be that MB plus N MN minus real nuclear mass.
इफेक्ट कम ज्यादा एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट डेल्टा टी. दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डेल्टा टी. क्लियर? नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज ए न्यूक्लियर डेंसिटी. And we know density equal to mass upon volume. Nuclear density will be equal to nuclear mass upon nuclear volume. Nuclear density. This is represented as rho n, n for nuclear. Density equal to mass upon volume. Therefore, nuclear density will be equal to nuclear mass upon nuclear volume. Now let us calculate nuclear mass and nuclear volume. First, nuclear mass. जो हमने भी निकाला था. Nuclear mass equal to mass of the nucleons that MP plus this is the nuclear mass equal to this mass of proton and mass of neutron are almost equal. We can put MP in place of M that MP plus M M is mass of proton and mass of equal to z plus n m b, and z plus n is a capital mass number of number number of nucleons equal to a m. This is the nuclear mass. Now what about nuclear volume? Nuclear volume equal to this nucleus is spherical in shape. Volume of sphere will be 4 by 3 pi r cube. R is the radius of the 4 by 3 pi r cube is the volume of the nucleus equal to 4 upon 3 pi. And we know empirical formula r equal to r naught a to the power 1 upon b. Can put r not a to the power 1 upon b in place of r. R की जगह में r so it will be 4 by 3 pi r to the cube. This is nuclear volume. Now calculate nuclear density. Nuclear density rho n equal to nuclear mass a b upon 4 by 3 pi r 0 to a cancel out. Now put the value of mv mass of the proton and value of r 0 1.3 into 10 minus 15 meter 1.6 into 10 to the power of 47 kg upon 4 upon 3 into pi 3.14 into r 0 1.3 into 10 to the power minus 15 in terms of meter. इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1.81 into 10 to the power 70 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब यहां देखिए इसका वॉल्यूम डेंसिटी का जो ऑर्डर है कितना होता है 10 to the power 70 बस. The value of nuclear density is very high. For nuclear density value, it means this represents or this shows that the nuclear matter is in a extremely compressed state. The nucleus है, उसका entire हम बात करते हैं matter का, atom का, that is concentrated in a very small place, in a compressed state.
ठीक है ना, ये वहां से आ रहा है। और यहां से एक चीज पता चल रहा है कि दिस न्यूक्लियर डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। आप किसी का भी न्यूक्लियस ले लीजिए, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सभी के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होगी, इतनी ही आएगी। ये फिक्स है, कॉन्स्टेंट है न्यूक्लियर डेंसिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। क्लियर है? तो न्यूक्लियर डेंसिटी सभी की इतनी आएगी, ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर चार्ज। वी नो न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्रोटॉन्स आर हैविंग प्लस ई चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है प्लस 1.6 इनटू 10 टू द माइनस 19 कूलम, मींस द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस विल बी प्लस प्रोटॉन्स, द चार्ज ऑन प्रोटॉन्स विल गिव यू द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द चार्ज ऑन दिस दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द माइनस 19 कूलम, देन टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस विल बी जेड ए, तो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन इज हैविंग प्लस चार्ज, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज फोर्थ प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर चार्ज चार्ज ऑन द, ये चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड कर रहा है, ये मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है। नाउ फिफ्थ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, बोथ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव एन इंट्रिंसिक स्पिन जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है इंट्रिंसिक स्पिन, सिमिलरली प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है दे हैव इंट्रिंसिक न्यूक्लियर इंट्रिंसिक क्या है स्पिन, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस इक्वल टू अंडर रूट एस इनटू एस प्लस 1 एच क्रॉस और एच कट, फिर एच कट और एच क्रॉस की एच अपॉन 2 पाई, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू 6.6 टेन टू माइनस 34 सेकेंड, ये वैल्यू होती है इसकी। तो इस फॉर्मूले से भैया दिस एस इज क्वांटम नंबर नोन एज स्पिन एंड दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर एल एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1/2 इनटू 1/2 प्लस 1, इट विल बी एच, इट विल बी अंडर रूट 3/2 एच, दिस इज द स्पिन मोमेंटम। Now, this property resultant angular momentum. Resultant angular momentum. Resultant angular momentum. In addition to the spin angular momentum, the protons and neutrons in the nucleus have an orbital angular momentum. हाँ, अभी हमने बात की थी spin angular momentum को है, इसके साथ साथ कौन सा momentum है? Orbital angular momentum. तो जो resultant होगा, वो कहाँ से आएगा? Due to angular momentum and spin angular momentum, orbital angular momentum and स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों से क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम द न्यूक्लियस इज ऑब्टेन बाय एडिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय ln n फॉर न्यूक्लियस अंडर रूट ln ln plus 1 h cross is the total angular momentum of the nucleus, h is where h cross is h upon 1, this is known as
न्यूक्लियर स्पिन ऑक्साइड इज इन न्यूक्लियर स्पिन. नाउ सेवन न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स वी नो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हैज एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मोर मैग्नेट्रॉन दैट इज म्यू ई इक्वल टू ई एच क्रॉस अपॉन टू एम ई. एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज एंड ड्यू टू इट्स स्पिन इट शुड हैव ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अकॉर्डिंग टू ग्राफ थ्योरी म्यू एन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस म्यू एन इज म्यू बाय ई एच क्रॉस अपॉन टू एम ई वेयर एम ई इज द मास ऑफ द प्रोटॉन. म्यू एन इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन. दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन एंड दिस इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट. न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर मेजर इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन एंड म्यू एन हैज वैल्यू म्यू एन इक्वल टू 5.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 जूल पर टेस्ला. एंड वी नो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन इज ओनली 1/1836 ऑफ ए बोर मैग्नेट्रॉन. मैग्नेट्रॉन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन यहां से हमारा रेशियो आ जाएगा. एंड फॉर न्यूक्लियॉन्स मेजर्ड वैल्यू और मेजरमेंट्स गिव न्यूक्लियर इक्वल टू 2.7925 इवन फॉर प्रोटॉन एंड फॉर न्यूट्रॉन इक्वल टू -1.9128 इवन. दीज आर द मेजर्ड वैल्यू. नाउ इलेक्ट्रिक डाइप इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल इन एडिशन टू इट्स मैग्नेटिक मोमेंट अ न्यूक्लियस में हैव एन इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो फॉर एटम्स एंड इन न्यूक्लियर इन द स्टेशनरी स्टेट्स. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो फॉर एटम्स एंड फॉर न्यूक्लियाई इन द स्टेबल स्टेट स्टेशनरी स्टेट्स. दिस इज कंसीक्वेंस ऑफ द नीड टू बी स्फेरिकल. देयर इज नथिंग प्री लोडिंग द न्यूक्लियस फॉर्म अज्यूमिंग द शेप ऑफ एन एलिप्सॉइड ऑफ रोटेशन फॉर इंस्टेंस. इसमें क्या आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली is given by Q equal to 1 upon E times E z square minus R square rho d. Here this rho is nuclear charge density. Q is actually measure of eccentricity of the ellipsoidal nuclear surface. हमने ellipse पढ़ा है, ellipse के लिए eccentricity की होता है. इसमें इफ टू इज जीरो इफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप और स्फेरिकल शेप दिस इलेक्ट्रिक क्वार्टर मूवमेंट विल जीरो और स्फेरिकली इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इज द स्फेरिकल स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस बोथ आर इक्वल ए
Here Q equal to the spherical area. Now this Q, charge distribution is stress along or in the z direction means prorate condition आती है, then Q will be positive. Charge distribution in z direction. That direction, that is prolate. Prolate. It will give the positive 2. And 2 will be negative for overlay condition. Or prolate. Prolate. Chart distribution की दृष्टि से क्या जाएगा सर? इसलिए इसलिए यह क्यों ही पॉजिटिव है? यहाँ पर दूसरा प्रोलेट कंडीशन, प्रोलेट इसलिए टू विल बी नेगेटिव, टू विल बी नेगेटिव. द डायमेंशन of particle moment is that of an area, because in nucleus physics things are very small, distance is very small. On nucleus physics में क्या करते हैं, area को measure करने के लिए use करते हैं VAR, and VAR is the unit of area in nucleus physics, and 1 VAR equal to 10 to the power minus 28 meter square और 10 to the power minus 24 centimeters square. Yeah, this Q is measured in terms of bar. Now next property is mass effect. अभी हमने पीछे बात की थी mass effect, अब उसको हम थोड़ा सा वो explain कर दें mass effect. And mass effect बार the difference of masses of critical or a few mass and real nuclear mass. Mass effect. Mass effect delta M equal to mass of nucleons. Minus real nuclear mass. Real nuclear mass. This is assumed nuclear mass or theoretical. This is experiment for real. और ये value क्या थी? जो ये mass था हमारा, ये थी हमारी z m t plus n m n minus real न्यूक्लियर मास. इसका मास अब ये मास इफेक्ट से होगा क्या, यूनिट क्या होगी मास बेसिकली, तो इसकी यूनिट क्या होगी किलोग्राम ग्राम केएम एटॉमिक मास. हम यहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स में मेजर करेंगे इन केएम एटॉमिक मास यूनिट, एंड वी नो 1 एएम इक्वल टू 1.662 10 टू द पावर माइनस 27 के. Yeah. Now, if an atom X has atomic number Z and mass number A, then number of neutrons will be A minus N. This is the number of neutrons. So, यहाँ पर आते हैं हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दें. Delta M equal to will be Z M V plus N. A minus Z. Can put A minus Z in place of N. A minus Z. M minus
एम एन, दिस इज स्मॉल एन मास ऑफ द न्यूट्रॉन, दिस इज कैपिटल एन यहाँ पर मीन्स न्यूक्लियस द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, दिस विल गिव यू मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट से चीज निकल जाती है बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाइंडिंग एनर्जी एन प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं आप न्यूक्लियस को इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी फ्रॉम आउटसाइड या फ्रॉम बम्बार्डिंग सम एक्सटर्नल पार्टी, बाइंडिंग एनर्जी is known as binding energy. So when protons and neutrons combine to form the nucleus, an amount of mass, that is mass defect, delta m, yes, and equivalent energy of this mass defect, delta m c square, is liberated. This energy is known as binding energy, equal to m c square. Einstein's mass energy relation is equal to m c square set. या मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एम मास की इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाएगी एम सी स्क्वायर, सिमिलरली जो डेल्टा एम मास जो हमारा गायब हुआ था डिसअपीयर हुआ था उसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी जो आएगी इक्विवेलेंट एनर्जी जो आएगी दैट विल बी डेल्टा एम सी स्क्वायर, आप इसको ई कह सकते हैं, दिस इज बाइंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस। और उसे उसमें हम बात कर सकते हैं, ये तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था ब्रेक करना आपको न्यूक्लियस को इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स जो उसके पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक कर दें न्यूक्लियस को, तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज नोन एज बाइंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। तो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन और एक इन टर्म्स ऑफ उसका ब्रेकिंग फंक्शन, बाइंडिंग एनर्जी हमारी यहां से आ जाएगी। और ये कितनी होगी डेटा है हमारे पास, कितना था अभी मैंने निकाला था दैट एम ओ पी प्लस एन एम एन माइनस एम एन, यहां से हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्वल टू दैट एम ओ पी प्लस एन एम एन सी स्क्वायर को मैंने अंदर ले लिया स्क्वायर माइनस एम एन सी स्क्वायर, द बाइंडिंग एनर्जी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एम वी बी, ये हिंदी का रखें तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एम वी बी, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज जनरली एक्सप्रेस हुई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, वी डिवाइड बाइंडिंग एनर्जी बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट विल गिव यू binding energy per nucleon. If binding energy is greater than zero means positive, then what will happen? If binding energy is greater than zero, then nucleus is stable. Binding energy measures the stability of the nucleus. If binding energy is greater than zero, nucleus is stable. And energy must be supplied from outside to disrupt it into its constituents. If binding energy is less than zero, then nucleus is unstable and it will disintegrate by itself. Nucleus will disintegrate apna ho jayega jab tak ki wo stable condition mein na aa jaye. Now 11th property is packing fraction. Packing fraction. Packing fraction is basically defined as the ratio of
mass defect and the mass defect. Again, sir. It is represented by small f. It is defined as the ratio of mass defect and mass defect. Packing flexure means mass defect per nucleon. Here, packing flexure is also defined in terms of C12, since atomic masses are measured related to C12. The packing fraction of this isotope is 0 for C12, packing fraction is 0. We can define packing fraction in terms of C12. It is a measure of the comparative stability of the atom. Packing fraction may be defined as isotopic mass minus mass number upon mass number into 10^4. Now packing friction may be positive or it may be negative depending upon the value of isotopic mass or mass. If this F is negative, ये negative कब होगा? जब ये value ज़्यादा होगा, ये value कम. Isotopic mass will be smaller in comparison of mass number. Isotopic mass is less than the mass number. In such cases, some mass gas transformed into energy in the formation of the of that nucleus in accordance with the mass energy relation equal to mc square, and therefore nucleus will be more stable. And if friction is positive, this will be positive when this is larger, isotopic mass is larger, and this F is positive, is the tendency towards instability. Tendency towards instability. तो यहाँ पे क्या होगा? More stable. Thus, packing friction gives the comparative stability. तो इसके टर्म्स में हम स्टेबिलिटी को जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस. उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे आगे